वर्कआउट करके जल्दी घर चले गए। तो मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट अपना ओट्स, एंड आज इसमें मैंने कुछ डिफरेंट फ्लेवर ट्राई करा है क्योंकि हमेशा मैं चॉकलेट या कॉफ़ी फ्लेवर ही ट्राई करती थी ओट्स में। तो आज मैंने किया है फ्रेंच वनीला, मतलब एकदम वनीला जैसा टेस्ट होता है ना, जो आप लोगों ने आइसक्रीम खाई होगी तो जैसा वो आइसक्रीम का टेस्ट होता है ना, सेम वैसे ही इस प्रोटीन का टेस्ट है। लेट मी शो यू। तो ये बायोजाइम परफॉर्मेंस वे फ्रेंच वनीला फ्लेवर में मैंने आज ट्राई करा है, जो कि मील इतनी प्रिटी दिख रही है मेरी। इसमें मैंने फ्रूट्स ऐड करे हैं, स्ट्रॉबेरीज, पियर, एप्पल, बनाना एंड थोड़े से मिक्स सीड्स, जो कि मेरी मील को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना देते हैं। एंड इसमें मैंने यूज़ करे हैं 2 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, आप लोग 1 भी कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट। एंजॉय माई मील। तब तक के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। सो जल्दी से जाओ, मेरा कोड यूज़ करना मत भूलना जो कि विधि MB28 है। सो जल्दी से चल जाओ एंड बाय कर लो अपना फेवरेट प्रोटीन। बाय द वे मेरा पर्सनल फेवरेट तो अभी फ्रेंच वनीला हो रखा है। गाइस कमेंट करके बताना आप लोगों को ओट्स में कौन कौन से फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। मेरे को तो सबसे अच्छा बनाना, एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी लगता है। सो इसके बाद मैं हो गई थी जिम के लिए रेडी, एंड गेट रेडी विद मी आप लोगों को मिनी व्लॉग में दिखने को मिल जाएगा, एंड मेरा फुल आउटफिट भी। सो प्रोटीन शेक पी कर, बाय द वे मैंने मॉर्निंग में भी स्कूप लिए थे एंड जिम से पहले भी ले रही हूँ। सो प्रोटीन पीने के बाद मैंने कुछ वीडियो शूट करी रील्स के लिए एंड शॉर्ट्स के लिए। सो हियर वी गो। सो यहाँ पे सनलाइट अच्छी पड़ रही थी तो मैंने यहीं पर शूट कर ली। सो गाइस मैं आ गई हूँ जिम, काफी करने वाले हैं इंटेंस लेग वर्कआउट, बहुत हो गया आज, लेग ट्रेन करेंगे मस्त करके, बहुत कर ली डेडलिफ्ट और बहुत कर लिया स्क्वाट, आज हम करेंगे अपने लेग्स बिल्ड। आज मैं अपना माइक भी लाना भूल गई हूँ और बॉटल भी। सो उनको समझ नहीं आ रहा मैं इसमें अपना ईट वाले कैसे डालूँ। गाइस आज जो मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ ना, ये आप अपने लेग वर्कआउट में ऐड कर सकते हो, क्योंकि मैं पावर लिफ्टिंग से पहले ये ही लेग वर्कआउट करा करती थी और वार्म अप करते सबसे पहले वार्म अप भी ज़रूरी है करना। Somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. Hey, I'm gonna go to the bathroom.
हम स्क्वाट्स करेंगे बिना बेल्ट, बिना नी स्लीव्स के। आज हम बैक स्क्वाट नहीं करेंगे, आज हम करेंगे फ्रंट स्क्वाट। स्टार्टिंग करेंगे हम फ्रंट स्क्वाट से, तो लेट्स गो। Into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through. गाइस दो एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है और पंप आप देख ही सकते हो, दो एक्सरसाइज में क्या पंप आ जाता है। ओह, आज मैंने आप लोगों से पूछा ही नहीं कि मेरा आउटफिट कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। मतलब तीन एक्सरसाइज और बची हैं, टोटल हम कर रहे हैं पांच एक्सरसाइजेस। अब ये मत बोलना कि सिर्फ पांच, भाई अगर किसी चीज़ की ग्रोथ अच्छी करनी होती है ना तो उसको कम से कम जितना करोगे एंड कॉन्सेंट्रेट के साथ इंटेंसिटी प्लस गुड डाइट, इन सब को मिलाकर ही आप लोगों को अच्छी गेनिंग मिलेगी। सो ऐसे ही नहीं कि सिर्फ आप एक्सरसाइज ही करो एंड उससे आप लोग हो जाएगा, नहीं, आपको डाइट भी ऐड करनी पड़ेगी अपनी। गाइस बाय द वे बहुत तेज़ बारिश हो चुकी है और बहुत ज़्यादा तेज़, मैंने सोचा था जल्दी वर्कआउट करके जल्दी घर चलेंगे, बट ये बारिश ना आवाज़ आ रही हो गया। यहाँ पे मैं एक्सटेंशन के कर रही हूँ तीन सेट, वो भी सुपर सेट के साथ। लाइक जितना वेट अभी आप यूज़ कर रहे हो उसका एकदम हाफ करना है सुपर शिप में। लेग डे वाले दिन पम काफ़ी अच्छा आ जाता है लेग्स में, आप लोग देख ही सकते हो। अच्छा कमेंट करके ज़रूर बताना आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है लेग की। सो सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है हमारी लेग कर्ल। लेग कर्ल में भी हम सुपर सेट करेंगे। अभी मैंने लगभग हाफ रैक उठा रखा है, देन हम उसके बाद एकदम ही उसका भी हाफ कर देंगे। लाइक जैसे मैंने अभी उठाई है 7 प्लेट्स, अब हम उठाएंगे 4 प्लेट्स। सो एंड 4 प्लेट्स में हम थोड़ा सा कंट्रोल रैप के साथ करेंगे।
लास्टली हम ट्रेन करेंगे अबडक्टर्स, इसमें भी 3 सेट हम करेंगे, वो भी 12 या 15 रेप्स के। इनका पूरा वर्कआउट मिस हो चुका है आज, करूँगा बट वो करेंगे, और मेरा तो हो चुका है कंप्लीट। अब मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगी और घर चल जाऊँगी। कैमरा देख के सब भागने क्यों लग जाते हैं? कैमरा देख के इसलिए भागने लगे क्योंकि उनको शर्म आती है। शर्म तो मेरे को भी आती थी पहले, इसलिए आती है क्योंकि जब लोग वीडियो देखते ना तो उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों को काउंटर देते हैं ना, तो वो इसलिए भाग जाते हैं हमारे बारे में बोले। वाह, आप लोग भी ये वर्कआउट फॉलो कर सकते हो। सो एज अ बिगनर हो अगर तो आप लोग इसे फॉलो कर सकते हो, एंड एडवांस में भी जाएंगे धीरे धीरे करके क्योंकि अभी हम थोड़ा बिल्ड कर रहे हैं अपनी बॉडी को। सो हम करेंगे स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग के बाद जाएंगे हम घर में। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और Yeah, you show me colors.